आपको एक बार फिर से मेरा सादर प्रणाम। ये हैं हवा से बने हुए रेत के टीले और अभी ये बनते हैं और शाम को फिर दूसरे दिन सुबह साफ हो जाते हैं। और ये है पूरा डेजर्ट जहाँ पर हम रुके हुए हैं और जहाँ आज रात का प्रोग्राम है। और देख सकते हैं आप यहाँ की सुंदर सी वादियाँ। आज आए हैं रात के समय में, इस डेजर्ट में डीजे प्रोग्राम है और ये सुंदर से टीले जिनको आप देख रहे हैं तो ये हवा से बने हुए हैं। अगर कल हवा चलेगी तो ये टीले यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, अगली जगह पर दिखाई देंगे। तो ये है रेगिस्तान का डेजर्ट, आप देख सकते हैं इसकी सुंदरता और चारों ओर रेत ही रेत है। और यहाँ पर भाई लोग कुछ सेल्फी वेल्फी खींचते हुए, जहाँ जहाँ आप देखेंगे पूरे रेत के छोटे छोटे टीले बने हुए हैं और जैसे ही हवा लगती है तो ये टीले दूसरी जगह खिसक जाते हैं। और दोस्तों बड़ा गर्व है कि यह हमारे पूर्वजों की धरा है, क्योंकि 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वज इसी धरती पर रहा करते थे और आज सौभाग्य मिला है राजस्थान की इस पावन भूमि पर कदम रखने का। और अपने पूर्वजों के वो पूर्व भूमि पर हमने आज कदम रख के अपने पूर्वजों को याद किया है। क्यों? और थोड़ा रहन सहन और पहनावा कुछ राजस्थानी लोगों से हमारा मिलता है, क्योंकि आनुवंशिक गुण जो है कल्चर में दिखते हैं। तो ये है सुंदर सा रेगिस्तान, आओ पधारो मारो देश। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है ये सारे टीले बने हुए हैं। एक टीला ये बना हुआ है और जैसे ही कैमरा उधर घूमेगा तो एक टीला उधर, कुछ लोग वहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, कुछ टीले वहाँ पर बने हुए हैं, कुछ टीले यहाँ पर बने हुए हैं। और ठीक सामने हमारा डीजे प्रोग्राम है और डीजे प्रोग्राम को भी दिखाते हैं। ये हैं गोकुल भाई, वो हैं उमेश तपोला जी और ये हैं हमारे नरेन भाई। तो चलो चलते हैं आप अपने डेस्टिनेशन पर, जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है। और जहाँ आप लाइट देख रहे हैं वहाँ पूरा डीजे का कार्यक्रम है, उस डीजे कार्यक्रम को आपको दिखाते हैं। मैं जा रहा हूँ नीचे और भाई लोगों की वीडियो बनानी है। बाप रे, इतना फिसल रहे हैं सुनो। तो ये है हमारा डेस्टिनेशन आज का, जहाँ राजस्थानी फोक संगीत का आप आनंद लेंगे। और देख सकते हैं सारे जो हमारे यहाँ पर टीम मेंबर आए हुए हैं वो सब इस तरह से बैठे हुए हैं। और ये हमारी पूरी टीम है, उधर हैं भाई साहब उमेश जी और गोकुल भाई, नरेन सर और ये हैं हमारे संजय सर। संजय सर तो ये हैं हमारे ग्रेट लीडर और ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने लीडरों के साथ बैठे हुए। और यहाँ पर होने वाला है एक राजस्थानी कल्चर का जो भी नृत्य है, फोक झूमर घूमर मटका सारे नृत्य यहाँ पर होंगे। ये बना रखे हैं आज रात्रि के प्रोग्राम के बैठने के लिए सुंदर से डेस्टिनेशन जो हमारा था ये है। और यहाँ पर बैठक स्थल बहुत अच्छा बनाया है क्योंकि ये राजस्थानी कल्चर को दिखाता है। और जैसे ही आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर सब बैठेंगे, सबके लिए पानी की बोतलें रखी गई हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब इस जगह पे बैठ के इसकी जो डीजे प्रोग्राम है उसका है तो इस प्रोग्राम का आनंद लेंगे आज डीजे पार्टी में। और इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुशोभित की गई हैं, हमारे पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई हैं। और आप देख सकते हैं बढ़िया करके गद्दे बिछाए गए हैं, उसके पीछे तकिया। एक जो पूर्व समय में राजाओं के समय में संगीत का जब मज़ा लिया जाता था, इसी तरह बैठ के लिया जाता था आनंद, मंत्री और राजा और उसके जो भी मंत्री होते थे इस तरह आनंद लेते थे संगीत का। और इसको आज आपको दिखा रहे हैं। बजा ली, मजा आया? मुझे नहीं आया। एक बार शेप शॉप वाली तालियां बजा के दिखाओ, हल्ले के साथ, हल्ले के साथ।
ये है रात का माहौल पूरे जश्न में, क्योंकि अभी फ्लैश लाइट का प्रयोग हो रहा है और पूरा इंजॉय के साथ सभी लोग देख सकते हैं। ये देखिए पूरा फ्लैश लाइट में इस प्रोग्राम का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या बज रहा है संजय सर, इसको क्या कहते हैं, तो कटकट वाला है, करताल कहते हैं, करताल, हाँ करताल, करताल की धुन सुनाई दे रही होगी आपको। तो फ्लैश लाइट में अभी ये पूरा ओ